नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक था और टॉपिक हमारा चल रहा था, सेम टॉपिक था और टॉपिक था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे जो अति महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आ रहे थे। उन प्रश्नों को ही अभी लेकर हम लोग चल रहे थे जिससे हम लोगों का जो स्कोर है वो बढ़ सके, क्योंकि अक्सर जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सबके सही होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वही प्रॉब्लम करते हैं, वही मेरिट में आपकी जगह को रोकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा जैसा कि हम आपको बार बार जानकारी देते हैं और जानकारी में हम आपको जो बता रहे थे कि आप हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए उपलब्ध है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा बायोलॉजी का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है आपके लिए अवेलेबल था, ये हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। और इसके लिए करना क्या है कि आपको केवल मेंबरशिप लेनी है डॉक्टर नोट्स परिवार की। ये मेंबरशिप लेनी है 299 की, केवल मेंबरशिप है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। परिवार का सदस्य बनने की मेंबरशिप है। इस मेंबरशिप लेने के फायदे, कई सारे आपको फायदे होंगे। एक तो आपका डिस्कशन कराया जाता है और डिस्कशन में मेरी जो उपस्थित रहती है वो उपस्थित रहती है 9:30 to 11 PM। कितनी रहती है? 9:30 to 11 PM और कभी कभी 11:30 PM तक भी हम उपस्थित रहते हैं इस ग्रुप पे। और जहां हम आपसे प्रॉपर डिस्कशन होता है चैप्टर वाइज, कैसा होता है चैप्टर वाइज प्रॉपर आपसे डिस्कशन होता है, चैप्टर वाइज प्रॉपर क्या होता है डिस्कशन होता है। तो यहाँ आपसे प्रॉपर चैप्टर वाइज डिस्कशन किया जाता है और जिससे आपका क्या होता है सारे टॉपिक क्लियर होते चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमारा नोट्स ग्रुप है, नोट्स ग्रुप पर दोनों भाषाओं में, दोनों भाषाओं का मतलब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको नोट्स मिलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नोट्स मिलते हैं और यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक्स अवेलेबल हैं। किसमें? पीडीएफ फॉर्म में बुक्स हैं और वो बुक्स हैं जो अच्छे कोचिंग संस्थान आपसे कहते हैं कि इन बुक्स को पढ़ो। जो काफ़ी महंगी बुक्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, हैंड से लिखे हुए, दूसरा प्रिंटेड नोट्स, दोनों नोट्स उपलब्ध हैं। प्रैक्टिस ग्रुप पे क्या कराई जाती है, डेली आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है। क्या कराई जाती है? प्रैक्टिस कराई जाती है। और इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, आंसर की जारी की जाती है। तो इससे आपकी क्या होती है, जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में बढ़ेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको करना ये है इसके लिए कि ये जो हमारा टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप किसी भी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। 299 का जो पेमेंट है इन पर किसी एक पर गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से या पेटीएम से कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग से करता है तो इस पे कर सकते हैं। और 299 की मेंबरशिप जैसे ही आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को, ध्यान रखिएगा, उस स्क्रीनशॉट को हमारे इस नंबर पर टेलीग्राम पर सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है? टेलीग्राम पे सेंड करना है। यदि टेलीग्राम पे किसी कारणवश सेंड ना हो तो फिर ये व्हाट्सएप पे सेंड करना है, आपको तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। दूसरा, आप अगर मेंबरशिप लेने का प्लान बना रहे हैं तो अति शीघ्रता करिएगा, क्योंकि आपने तब प्लान लिया या तब हमसे जुड़े जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर होंगे तो आपको नोट्स भी पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। जो नोट्स हैं वो भी आप स्टडी करने का समय नहीं मिलेगा, तो ऐसे नोट्स का क्या फ़ायदा जो आप पढ़ ही ना पाएँ। आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर 2-4-10 दिन पहले आप जुड़ते हैं अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या मतलब रहेगा या डिस्कशन में पार्टिसिपेंट। इसलिए तुरंत जुड़ें बिना किसी दबाव के, बिना किसी समस्या के, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ क्या है? फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ परिवार का सदस्य बनेंगे उसके बाद सब आपको फ्री मुहैया कराया जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले क्वेश्चन कहाँ तक हम आपसे कर चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखिएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्या कह रहा है, फोरामेन ऑफ मोनरो इज एन अपर्चर बिटवीन, किसके किसके बीच का ये अपर्चर है, तो इसके बात कर लेते हैं। तो फोरा
मेन जो मोनारो है ये अपर्चर की बात करें तो थोड़ा सा हम आपको डाटा देना चाहेंगे, उस डाटा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाटा ये है कि जो ब्रेन में हमारे जो ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, चार कैविटी पाई जाती हैं। कितनी कैविटी ब्रेन में पाई जाती हैं, चार। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ये चार प्रकार की कैविटी ब्रेन में पाई जाती हैं या दिमाग में चार प्रकार की कैविटी पाई जाती हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ आपको जानकारी दे दें, यहाँ हम ब्रेन को लेके चलेंगे जिससे आपको जानकारी मिल जाए। तो जब ब्रेन की बात करते हैं तो जो चार कैविटी थी, थोड़ा सा इसको मैं पतला भी कर लूं, जो कैविटी थी तो यहाँ जब कैविटी पे नज़र डालते हैं, जो पहली और कौन सी है, दूसरी, ये पहली और दूसरी जो वेंट्रिकल होती है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, कैविटी को ही वेंट्रिकल बोलते हैं। तो पहली और जो दूसरी वेंट्रिकल होती है इसको हम कहते क्या है, नाम देते हैं पैरासील, ध्यान रखिएगा पैरासील के नाम से जानते हैं। ये पैरासील पाई कहाँ जाती है, तो ये पैरासील पाई जाती है सेरेब्रम में। कहाँ पाई जाती है, सेरेब्रम में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा कहाँ पाई जाती है, सेरेब्रम में। तो आपसे पहले पूछ सकता है पहली और दूसरी कैविटी जो होती है जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, आप ब्रेन के नाम से जानते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं कैविटी को, ये इसको कहते क्या, पैरासील। तो पैरासील किसको कहते हैं, पहली और दूसरी कैविटी को कहते हैं और जो कहाँ पाई जाती है, सेरेब्रम में। अब आता है इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी कैविटी, तीसरी थर्ड नंबर की कैविटी, या इसी को ऐसे तीन लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर की जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम देते हैं, इस वेंट्रिकल का, इस वेंट्रिकल का नाम जो हम देते हैं, इस वेंट्रिकल का नाम देते हैं, लिख लीजिएगा, ये कोई बताएगा नहीं, डाई सील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइसील बोलते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है, तो डायनसिफाइलॉन में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, डायनसिफाइलॉन में पाई जाती है, डायनसिफाइलॉन में ये देखने को मिलती है। अब आता है चौथी कैविटी जो होती है, फोर्थ नंबर की जो कैविटी होती है, ये फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर की जो कैविटी होती है या वेंट्रिकल होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मेटासील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटासील के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मेड्यूला ओब्लंगाटा में, ओब्लंगाटा में। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, जब क्वेश्चन आपको फंसाने वाला होगा, आपके सिस्टम को अंजर पंजर ढीला करने वाला होगा, तो पूछ देता है कि थर्ड जो वेंट्रिकल है या कैविटी है, जो थर्ड कैविटी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई कहाँ जाती है, डायनसिफाइलॉन में, लिख लीजिएगा कहाँ पाई, डायनसिफाइलॉन। पूछ लेता है इस कैविटी को क्या बोलते हैं, डाइसील बोलते हैं। पहली दूसरी जो कैविटी सर में या दिमाग में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पैरासील बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, सेरेब्रम में। और जो चौथी कैविटी होती है वो कहाँ पाई जाती है, उसका उसको क्या नाम देते हैं, तो मेटासील देते हैं। कहाँ पाई जाती है, मेड्यूला ओब्लंगेटा में, ये चार कैविटियाँ। अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, तो जो पहली, यहाँ से देख लेते हैं, जो पहली कैविटी होती है कौन सी होती है, पहली और दूसरी, ये पहली और दूसरी कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासील बोलते थे, क्या बोलते हैं, पैरासील के नाम से जानते थे। तो ये जो पैरासील थी ये डाइसील से जुड़ती है, किससे जुड़ती है, डाइसील से जुड़ती है, यानी पहली दूसरी कैविटी किससे जुड़ती है, डाइसील से, और डाइसील कौन सी थी, तीसरी, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली दूसरी कैविटी और तीसरी कैविटी जिस संरचना से जुड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोरामेन ऑफ मोनेरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फोरामेन मोनेरो के बारे में हम आपको बता रहे थे और आपको डाटा मिल गया है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फोरामेन जो मिनरो होता है इसमें से ये जो लेटरल वाला है या लेटरल वाले की बात कर रहा है, पहले तो इसको साफ कर लें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल। अभी हमने बताया था लेटरल किसको बोलते हैं, अभी हमने बताया था पैरासील को, फर्स्ट और सेकेंड को ये लेटरल बोल रहा है और ये तीसरी है,
थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड, ये जो दोनों जुड़ती हैं इसी को हम फेरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टफ था इसलिए डिस्क्रिप्शन में समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय, एक्वस ह्यूमस किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो सीलियरी बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता है एक्वस ह्यूमर, सीलियरी बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, लैक्सेटिव चिपचिपा पदार्थ होता है जो आँखों में क्या बनाता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्वस ह्यूमर का श्रावण सीलियरी बॉडी के द्वारा होता है, एक्वस ह्यूमर कार्निया तथा लेंस को पोषण देता है, ये किसको, कार्निया और लेंस को, कार्निया एंड लेंस को ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण प्रदान करता है, दूसरा उनको घर्षण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ईयर ऑस्किल फॉर्म टैम्पेनम ऑनवर्ड्स, इनका क्रम क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं ये बाह्य कर्ण है, ये क्या है, बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण के बाद ये मध्य कर्ण आता है, ये वाला मध्य कर्ण, और इसके बाद आता है इंटरनल ईयर, तीन भागों में बटा रहता है। तो यहाँ तीन हड्डियाँ, ये इस तरह तीन हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इनको मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिस, याद रखना मिस, तो मिस से होता है मैलस, आई से होता है इनकस, एस से होता है स्टेपीज। तो कह रहा है किस क्रम में पाई जाती हैं, तो देख लीजिएगा यम आई एस, तो मैलस इनकस और स्टेपीज, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, तो हम सही करेंगे ऑप्शन बी, क्या करेंगे, बी ऑप्शन को सही कर देंगे, ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है ए क्वाड्रेट बोन ऑफ द रेप्टिलियम अपर जा इज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू द विच ईयर ऑस्किल ऑफ मैमल्स, तो वो किससे संबंधित है, इनकस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज, फ्रॉग में सबसे लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व्स कौन सी होती है, तो हमने आपको जो क्रैनियल नर्व्स बताई थी वो सारी जानकारी आपको दी थी क्रैनियल नर्व्स की, और हमने यहाँ इसको सेव करके रखा है, एक्चुअली में तो जो हमने आपको क्रैनियल नर्व्स बताई थी, तो हमने कहा था कि दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं एमनियोट होते हैं और एक होते हैं एन एमनियोट होते हैं, ये दो प्रकार के जीव हमने बताए थे। एमनियोट और एन एमनियोट में कौन से आते हैं, तो एमनियोट में कौन से आते हैं, जिनमें कोरियन और ये संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इनमें आती कौन कौन से हैं, जैसे बर्ड्स आती हैं और रेप्टाइल्स आते हैं, और कौन से आते हैं, तीसरे आते हैं मैमल्स आते हैं, और इनमें कौन से आते हैं, इनमें आते हैं फिशेस और फ्रॉग आते हैं, ये आते हैं फिशेस एंड फ्रॉग। तो यहाँ फ्रॉग के बारे में पूछा, तो हमने आपको बताया था कि अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 12 जोड़ी पाई जाती हैं, इनमें 12 पेयर पाई जाती हैं, और इनमें इनकी में जो संख्या होती है वो 10 पेयर होती है, क्या होती है, 10 पेयर होती है, 10 पेयर होती है। तो अर्थात यहाँ तक और यहाँ तक ये जो कॉमन नर्व्स हैं ये इनकी हैं फ्रॉग की। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो वेगस को ही मानते हैं, किसको मानते हैं, वेगस को, 10 नंबर की जो नर्व्स है वो वेगस को मानते हैं। तो अपने चलते हैं अपने सीधे मैटर पे, तो यहाँ हम लगा लेंगे वेगस, क्या लगा लेंगे, वेगस को सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीबोमियन पढ़ेंगे, ग्लैंड आर इन लिंगुमेंटल ग्लैंड फाउंड, कहाँ पाई जाती है ये, तो ये पाई जाती है ऑन द इड्स ऑफ द आईलिट के जो किनारे होते हैं उनमें ये ग्लैंड देखने को मिलती है, जो आँख के किनारे होते हैं ये ग्लैंड हमें वहाँ देखने को मिलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है कार्य के कारण, और
और ये ऑयली सबिस्टेंस निकालती है और ये क्या करती है, आंखों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन, माइलिन सीथ कवर्स, माइलिन सीथ किसको कवर करती है? तो हमने आपको इससे पहले माइलिन सीथ के बारे में बताया था, हमने आपको बताया भी था कि जो इस तरह की जो नर्व्स पाई जाती हैं, ये इस तरीके से नर्व्स हमने बताई थी, ये कल हमने डिस्कस किया था ये नर्व्स की, और ये इसमें से ये डेंड्रॉइट्स निकले हुए थे, ये इसको साइटोन बोला था हमने, हमने क्या बोला था, इसको साइटोन बोला था, इसको हमने एग्जॉन बोला था, और एग्जॉन के ऊपर हमने कहा था एक कवर चढ़ा रहता है जिसको हम माइलिन सीथ बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? नर्व फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है? तो हम आपको बता दें इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो इसका थोड़ा सा डाटा आपको बता दें, ये डाटा थोड़ा सा टफ रहेगा। तो हमने आपको तीन बोन्स बताई थी, कितनी बोन्स बताई थी, तीन बोन्स बताई थी ना, इसमें मिस करके बताया था हमने, मिस करके, माइलस, इनकस और स्टेपीज, तीन बताई थी ना, माइलस, इनकस और स्टेपीज। तो इनके नाम याद कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा मिस और यहाँ लिख दीजिएगा हैज, ध्यान रखिएगा यहाँ लिख दीजिएगा हैज और यहाँ लिख दीजिएगा इसके नीचे ए क्यू और एच, क्या लिखेंगे, सॉरी ए क्यू एच लिख देंगे, यहां लिख देंगे ए क्यू एच। तो माइलस जो होती है, इसका एच, एच का मतलब क्या हो, माइलस जो होती है हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े के आकार का, अगर कभी आकार पूछे। अगर इनकस की बात करें, इनकस कैसा होता है, तो कैसा होता है, एनविल शेप्ड होता है, कैसा होता है, एनविल शेप्ड होता है। और स्टेपीज कैसा होता है, तो स्टेपीज क्या होता है, स्टिरप साइड होता है या निहाई के आकार का, जैसा निहाई होती है, जैसे जिसमें लोहार लोहा पीटता है, वो निहाई के आकार की होती है। अब ए से यहाँ मतलब क्या है, तो ये इसका बता रहा है ये आर्टिकुलर होता है, ये कैसा होता है, आर्टिकुलर। माइलस कैसी होती है, आर्टिकुलस होती है, और इनकस कैसी होती है, तो क्वार्डिसेप होती है, और स्टेपीज कैसी होती है, तो हाइमेंडिबुलर होती है, क्या होती है, हाइमेंडिबुलर, सॉरी हाइमेंडिबुलर होती है। ये तीन याद रखना, मिस हैज और एक्यूएस। तो यहाँ क्या मैच कर रहा है, स्टेपीज कैसी है, हाइमेंडिबुलर है, तो हम ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। तो ये आप फार्मूला हमारा याद रखिएगा, कैसे, मिस हैज और एक्यूएच, ये तीन याद रखिएगा, तो इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल इज मिक्स्ड सेंसरी एंड मोटर बोथ, जब मिक्स्ड की बात करता है तो सेंसरी मोटर दोनों होगा। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये तो यहाँ क्रैनियल नर्व्स की बात कर रहा है, और कौन सी पूछ रहा है, मिक्स्ड पूछ रहा था ना, मिक्स्ड में से हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा मिक्स्ड का जो फार्मूला है, पसंद, ऐसे याद रख सकते हैं, पसंद, हिंदी में पसंद लिखिएगा, पा से पाँच, सा से सात, न से नौ और द से दस, पाँच नौ दस, यानी पाँचवीं सातवीं नौवीं और दसवीं। तो ये कैसी है, मिक्स्ड है, तो यहाँ से कौन सी आएगी, पाँचवीं में, तो पाँचवीं में आ रही है ट्राइजेमनल, कौन सी आ रही है, ट्राइजेमनल, और सातवीं में कौन सी आ रही है, पाँच छः सात फेसियल आ रही है, और नवीं में कौन सी आ रही है, तो नवीं में आ रही है ग्लासोफेरेंजियल आ रही है, दसवीं में कौन आ रही है, वेगस। अब हम अपना आंसर देख लेते हैं, आंसर यहाँ देख लेते हैं, तो वो वहाँ कौन कौन सी आ रही थी मिक्स्ड में, अभी हमने आपको बताया था, तो यहाँ तो फिर रुकिएगा, तो अभी यहाँ जो हमने देखा था पाँच सात नौ दस, तो यहाँ ये कोई भी नहीं आ रही, तो हम ऑप्शन कर देंगे नन ऑफ दीज, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन, पुरकिंजे जो सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन, तो पुरकिंजे सेल कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आप बताएंगे इनके बारे में, तो पुरकिंजे सेल हमें देखने को मिलती कहाँ है, सेरेब्रम में, कहाँ देखने को मिलती है, सेरेब्रम में। देखिए पुरकिंजे फाइबर एक और जगह पाए जाते हैं, और जब आप हार्ट पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हार्ट का अध्ययन करेंगे, तो जब हार्ट की संरचना आप इस तरीके से जब हार्ट देखते हैं, ये इस तरीके से जब आप हार्ट देखते हैं, तो एक यहाँ भी पाए जाते हैं, ये जैसे ये हार्ट है, तो यहाँ ए वी नोड्स होता है ना, ए वी नोड,
और एवी नोड के बाद यहाँ से इस तरीके से फाइबर निकले रहते हैं, इन फाइबर्स को हम पुरकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय, तो हमने आपको कल बताया था कि जो मैमल्स में कोऑर्डिनेशन करता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो सेरेबेलम जो पार्ट होता है सेरेबेलम, तो ये क्या करता है मसल्स कोऑर्डिनेशन करता है, जिससे हमने कहा था जो नशे में व्यक्ति होता है वो क्या होता है जैसे नाली वगैरह में पड़ा रहता है, बोलने में उसको दिक्कत होती है और गिर गिर पड़ता है नस करके, तो यही भाग प्रभावी होता है। और हमने बताया था कि जो सेरेब्रम भाग होता है ये सोचने में रीजनिंग करने में तर्क शक्ति आदि इसमें होती है, तो आप समझ गए होंगे। मेडुला ओब्लॉन्गाटा क्या होता है, ये केंद्र होता है श्वसन का और ये केंद्र होता है हार्ट बीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करता है, तो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, कौन, कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज नॉट ए मोटर नर्व्स, इनमें से वो कौन सी नर्व्स है जो मोटर नहीं है, तो हमने आपको बताया था सेंसरी कौन सी होती है 1, 2, 8 ये सेंसरी होती हैं और 5, 7, 9, 10 ये कैसी होती है मिक्स्ड होती हैं, कैसी होती हैं मिक्स्ड, तो इसमें कह रहा है मोटर कौन सी नहीं है तो बताइएगा कौन सी मोटर नहीं है, तो सिंपल सी बात है जो प्योर है वो कौन सी है, तो दूसरी वाली कैसी है जो मोटर नहीं है, कैसी है सेंसरी है, ये 1, 2, 8 है तो ये कहाँ से सेंसरी, देखिए ये नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से कभी गड़बड़ नहीं होगा। और जो ये चौथी है और ये तीसरी है और ये कौन सी है 12वीं है, ये सारी कैसी हैं मोटर हैं, कैसी हैं मोटर हैं, ध्यान रखिएगा ये सारी कैसी हैं मोटर हैं तीसरी, और ये वाली कौन सी है ये मिक्स्ड है, जो लिखी है ये कैसी है मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब पहले समझ लीजिएगा सेंसरी क्या होती है मोटर क्या होती है मिक्स्ड क्या होती है, तो सेंसरी वो होती हैं जो हमारे संदेशों को लेकर हमारे अंगों से संदेशों को लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या रीढ़ की हड्डी तक जाती हैं, और जो मिक्स्ड होती हैं मोटर क्या होती है मोटर को भी समझ लें ब्रेन से सूचना, मान लेते हैं आपके सुई चुभी और सुई चुभने वाली जो सूचना है दिमाग तक गई तो वो कौन लेके जाती है सेंसरी, और मोटर क्या होती है जो दिमाग से सूचना लेकर आती है हमारे हाथ तक कि हाथ हटाओ नहीं लग जाएगा तो हम हाथ हटा लेते हैं, या आपके किसी ने चांटा गाल पे मारा तो चांटा पड़ा तो ये वो ले के सूचना कहाँ गई दिमाग तक, और दिमाग ने तुरंत आदेश दिया कि इसको भी घुमा के मारो, तो हाथ को जो सूचना मिलता है कि घुमा के दो तो हाथ अपने आप मारता है, तो ये कौन लेके आई मोटर, कौन लेके आई मोटर, और मिक्स्ड क्या होती हैं जो सेंसरी की तरह काम करे सूचनाओं को दिमाग तक ले भी जाती हैं वहाँ से सूचनाएँ लाती हैं वो मिक्स्ड कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब होता है मिश्रित, क्या होता है मिश्रित कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं मिश्रित कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर कहता है द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कॉन्स इज कॉल्ड, तो ध्यान रखिएगा जो रेटिना का वो छोटा सा रीजन जिसमें मेनली कॉन्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको फोविया सेंट्रेलिस के नाम से जानते हैं, फोविया सेंट्रेलिस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं फोविया सेंट्रेलिस के नाम से जानते हैं, और जब आपने आँख का ऐसे चित्र बनाया था ये ऐसे, तो यहाँ से आपने क्या निकाला था नर्व्स निकाला था, ये ऑप्टिक नर्व्स, क्या निकलती है ऑप्टिक नर्व्स, तो ये ऑप्टिक जो नर्व निकली थी ये ऑप्टिक नर्व्स, तो इसे बोलते हैं क्या ब्लाइंड स्पॉट, ये इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ये यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है क्योंकि ना तो यहाँ कॉन्स पाई जाती है ना रॉड्स पाई जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ ये वाला हिस्सा ये यहाँ कॉन्स गुच्छे हुए होते हैं यानी कॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कॉन्स ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ जो चित्र बनता है वो क्या बनता है रंगीन बनता है, रंगीन बनता है और चटक बनता है, जो जो से वो क्या बोलते हैं फोविया सेंट्रेलिस, तो यहाँ कॉन्स जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स तो आप सब जानते ही हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, आइरिस आँख से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी क्लास में।
थ्योरी क्लास में अगर हम देखें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, आज हम जो मनुष्य है, मनुष्य के न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, किसके, मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है, क्या है, तंत्रिका जो तंत्र है, आज हम उसकी बात करते हैं, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की। तो मनुष्य के जो तंत्रिका तंत्र हैं वो दो भागों में बटा रहता है। एक हमारा बटा रहता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS के नाम से जानते हैं, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं या केंद्रीय तंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है पेरीफेरल सिस्टम, जो परिधि, हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, परिधि, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम जानते हैं। सेंट्रल जो न्यूरल सिस्टम होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, या तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक ब्रेन, ब्रेन जिसे हम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी वाला होता है। तो अगर ब्रेन की यहाँ से बात करें तो ये हमारा है ब्रेन, तो ये हो गया ब्रेन, और ब्रेन से निकला हुआ ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी वाला एरिया, तो इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमारे जो दिमाग होते हैं वो दो होते हैं, एक ऐच्छिक होता है जो इच्छाओं पे काम करता है, वो ब्रेन है, और एक ऐसा दिमाग होता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला। तो हमारे दिमाग दो होते हैं, रीढ़ की हड्डी अगर जख्मी हो जाए तो व्यक्ति में क्या होता है, पैरालिसिस पड़ जाती है, अंग काम करने बंद कर देते हैं। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक का मतलब होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, और ये होता है ऑटोनॉमिक यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त का मतलब होता है जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, क्या होगा, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, किसी का नियंत्रण ना हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जानते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल, ऑटोनॉमिक या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम भाग ले लेते हैं ब्रेन का। देखिए ब्रेन से कई क्वेश्चन बने हैं और बन रहे हैं लगातार, तो ये हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में क्या करता है, तो कहता है इट प्रोटेक्टेड इन क्रैनियल कैविटी, जो दिमाग होता है, ये जो दिमाग है, दिमाग के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, इस आवरण को हम क्रैनियल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है क्या है, किससे प्रोटेक्ट होता है, तो क्रैनियल कैविटी से होता है, जो चारों तरफ से घेरी रहती है। इट हैज थ्री लेयर कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड क्रैनियल मेनिनेंजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिनेंजेस बोलते हैं, जो तीन आवरण पाए जाते हैं, तीन आवरण पाए जाते हैं संयोजी ऊतक के। कौन कौन से तीनों आवरण होते हैं, जो आउटर आवरण होता है उसे हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। जो मध्य वाला आवरण होता है उसे हम आर्किनोइड मैटर बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाला होता है उसे पिया मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये अगर दिमाग का हम खोपड़ी का हिस्सा कर दें तो ये तो सबसे बाहर स्किन, अपनी खोपड़ी पे हाथ रखो और देखो बाल जहाँ से निकले वो क्या स्किन है। स्किन के नीचे क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं, फिर क्या पाई जाती है, पेरी स्टोमियम पाई जाती है मसल्स के नीचे, फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, हड्डी जो टक टक खो रही, मार के देखो भाई सर आपका है, टक टक खो रही है, उसे बोलते हैं पेरी स्टोमियम, सॉरी उसको बोन बोलते हैं, हड्डी। अब हड्डी के नीचे तीन परतें पाई जाती हैं, ये ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड और पिया मैटर, ये तीन हड्डी के नीचे आपकी पाई जाती हैं। मतलब ब्रेन बहुत सुरक्षित होता है, कई परतों के अंतर होता है। अगर हल्का पुल्का ऊपर हो तो आए दिन आपका सर कहीं टकराता है, आपस में लड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर वो बिल्कुल इतना आवरण ना हो तो जरा भी क्षतिग्रस्त हो ब्रेन तो आपको लकवा मार जाए, तुरंत डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाइक चलाते समय एक वक्त कपड़े चड्ढी बनियान पहन के आप गाड़ी चला लें, चल जाएगा, हेलमेट जरूर लगाएं। क्योंकि जब दिमाग पे ये वाला हिस्सा, जैसे ही आप बाइक से गिरते हैं, अगर भाई ये भगवान ने इसलिए बनाई कि आप हल्की पुल्की चोट, भाई पहले तो स्किन बर्दाश्त करेगी, फिर आपकी मसल्स बर्दाश्त कर लेंगी ज़्यादा चोट होगी, फिर हड्डी बर्दाश्त कर लेगी। अब हड्डी को भी तोड़कर कोई चोट लग गई तो, या बहुत ज़्यादा लग गई तो फिर ये जो ड्यूरा मैटर और
आर्किनॉइड और पिया मैटर हैं ये बर्दाश्त करती हैं, ये मुख्यतः चोट को ही बर्दाश्त करती हैं। अगर ये भी ना बर्दाश्त कर पाएं तो कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो मृत्यु निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है हेलमेट, और वो भी कैसा लगाना है, ब्रांडेड। ब्रांडेड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ब्रांडेड जो हेलमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कह सकते हैं टेस्टेड होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, उनको पटक कर देखा जाता है, हथौड़ों से चेक किया जाता है, तो वो ज़्यादा शॉक को बर्दाश्त करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप गिर जाते हैं, हेलमेट की बेल्ट लगी है गले में, आप गिर जाते हैं तो वो मतलब आपके सर को सुरक्षित बचा लेगा। देखिए पैर टूट जाएगा सही हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा सही हो जाएगा, पैर ज़्यादा फ्रैक्चर और काट दिया जाएगा जिंदा रहोगे। अगर हेलमेट ही नहीं होगा, सर में जरा भी चोट लाई बोले बस वो गिरे, और गिरने के बाद उनके शरीर में कहीं खरोंच नहीं है बोले सर में भी, तो सर में क्या हो गया, चोट लग गई। जैसे चोट लग गई तो बस क्या हो गया, मान लो मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा डिस्टर्ब हो गया, टूट गया, फट गया या नष्ट हो गया, तो क्या होगा, ब्रीथिंग, सांस लेना कंट्रोल खत्म, हार्ट बीट खत्म, या मृत्यु निश्चित है। इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं, जो हमारे मित्र हैं हमें सुन रहे हैं इसलिए। और ध्यान रखिएगा आप जीन्स लोकल पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े लोकल टेलर से बनवा के सिलाइए, मगर हेलमेट ब्रांडेड रखिए। चप्पल जो अब शूज लेते हैं लोकल 200-300, अगर पैसा नहीं काम चलाइए, हेलमेट के लिए 1000-1200 जरूर डालिए अगर बाइक यूज़ करते हैं तो। हेलमेट हरदम ब्रांडेड रखें, बकाया चीज़ें ब्रांडेड पहने ना पहने, जिंदगी क्या है आपकी, अनमोल है, आपकी परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब आर्किनॉइड स्पेस स्पेस बिटवीन पिया मैटर एंड आर्किनॉइड मैटर इज फिल्ड विथ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर यानी इन दोनों के मध्य में जो परतें होती हैं, इनके मध्य में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF। द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर आल्सो फिल्ड विद द CSF। इसके अलावा जो ब्रेन का वेंट्रिकल पार्ट होता है उसमें भी यही पार्ट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, तो ध्यान रखिएगा दो जगह ये फ्लूइड भरा रहता है। अब इसके अलावा कल हम बात करेंगे ब्रेन के जो तीन हिस्से हैं उनकी और उनके कार्य क्या है, तो इनकी चर्चा करेंगे। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपके वजह से हमने 5000 रुपये खर्च किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो ग्राफिक टेबलेट है वो मंगवाया है, तभी आज उसको प्रॉपर आपको लिख के बता पा रहे हैं। तो आपकी वजह से इतने खर्च किए तो आप कम से कम उसका फ़ायदा लें और पूरा पढ़ें। कोई भी पेड क्लास वाला भी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाता है जो आपको पेड क्लास देते हैं, वो सिर्फ तब अच्छा पढ़ाते हैं जब आपको डेमो देना रहता है, और चूंकि हम यहाँ डेमो वेमो वाला तो है नहीं, सब परिवार के सदस्य हैं, तो डेमो वाला यहाँ फंडा तो हम कुछ रखे नहीं, जो है वो आपके सामने है, जो टूटा फूटा है आपके सामने। आपके लिए लगभग हमने 10 से 15 हज़ार रुपये अब तक खर्च किए हैं, तो आप कम से कम उसका फ़ायदा ज़रूर लें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें, यूं ही बने रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।